तो गैरी और सीरत की शादी की बात छेड़कर अपने आप को एक बड़े भाई के नाते अपना फर्ज निभाता हुआ पेश कर दिया है, पर पहली बार मनबीर और इंदर साहिबा का पक्ष लेते हैं कि ये शादी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि गैरी ने जो गलती की है वो तो सिर्फ सजा के लायक है। और अब तक जिस भाई के लिए अंगद ने अपनी हर चीज उसको दी है, पर उसका छोटा भाई गैरी ने तो अंगद के पीठ पर सिर्फ छुरा घोपा है। पर क्योंकि साहिबा के माँ बाप अंगद के घर से जा चुके हैं, अब साहिबा निकल पड़ती है उनको ये समझाने कि ये शादी की बात को कोई मंजूरी ना दे सीरत के लिए। पर अंगद खुद ही लेकर जाता है साहिबा को उसके मायके, और वहाँ जहाँ अजीत और ताईजी को अंगद की प्रपोजल बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही और मंजूरी नहीं देना चाहते हैं, वहीं सीरत तो उल्टे साहिबा पर ही बरस जाती है ये बोलकर कि उसे तो अंगद की बातें बिल्कुल फिजूल लगती है, क्योंकि उसकी तो शादी हो गई है उसके साथ। पर सीरत को अंगद की हर बात के पीछे लॉजिक समझ आती है ये बोलती है वो, और बोलती है कि अंगद बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है जो बिल्कुल सही है उसके लिए और गैरी के लिए। और साहिबा देखती रह जाती है उस बहन को जिसके खातिर उसे कितनी कुर्बानी देनी पड़ी, और उतना ही नहीं जिसे सीरत शादी का नाम दे रखी है साहिबा और अंगद के बीच, उसे क्या पता कि ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं दोनों के बीच। तो क्या अब साहिबा को अपनी बहन की ना समझी की बोझ उठाना पड़ेगा? और अब तो गैरी साहिबा को हरगिज नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि उसे थप्पड़ से लेकर उसकी सच्चाई सामने लाने तक और बेइज्जती घर से निकालने जाने तक सबका बदला लेना है साहिबा से। और अब वो सीरत से शादी तो करेगा, लेकिन सीरत को क्या वो जगह देगा? तो आगे की कड़ी में क्या होगा हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। तो देखते रहिए तेरी मेरी डोरियां की अपडेट्स यहीं पर।